का कस्बा मकलोड़गंज के करीब करमपुर गद्दो का, जहां मौजूद है पुरानी हवेली जो नवाब सर सादक के दौर में तामीर हुई। इस हवेली की खूबसूरती आज भी वैसे ही कायम और इसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। मैं साजिद फटड़ जल्द करवाऊंगा इस हवेली का फुल वीडियो विजिट हमारे चैनल नॉन वायरल पर। वीडियो शुरू होने से पहले गुजारिश है, मेरा चैनल नॉन वायरल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तहसील मिंचनाबाद से हैड सुलेमान की रोड पर कस्बा मकलोड़गंज, जिसका नाम नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपने एक अंग्रेज मुलाजम के नाम पर रखा। मकलोड़गंज से जनूब की तरफ एक छोटा सा गाँव करमपुर गद्दो का, जहाँ मौजूद है 200 साल पुरानी खूबसूरत और शानदार हवेली। इस हवेली की वजह शोहरत इसकी खूबसूरती और शानदार बनावट है, जो 200 साल गुजरने के बाद आज भी देखने वालों की आंखों में रंग भर जाती है। इस हवेली की एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप गूगल अर्थ से देखना चाहें तो कुछ यूं है। वीडियो में आप देख सकते हैं मकलोड़गंज का इलाका और इसके जनूब की तरफ एक छोटा सा गांव करमपुर गद्दो का, जिसको अब हम जूम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये है वो पुरानी हवेली जिसके फोटोज गूगल अर्थ से वाजिया नजर आ रहे हैं। शानदार हवेली का तारीख में हवाला कुछ यूं है। ये हवेली नवाब सर सादक मुहम्मद खान अब्बासी पंजम ने अपनी जोजा बीबी गामा के लिए तामीर करवाई। आपको बताते चलें, माई गामा जिसका ताल्लुक वट्टू फैमिली से था, आज भी इस हवेली के मुकीम वट्टू फैमिली ही है। इस वक्त इस हवेली में रहने वाले सरदार खान गद्दों का, जो इकबाल खान गद्दों का के बेटे हैं, इकबाल खान गद्दों का जो उस्मान खान गद्दों का के बेटे थे, उस्मान खान गद्दों का के वालिद का नाम भी सरदार खान गद्दों का था। सरदार खान बेटे थे करम खान के, करम खान वो हैं मतलब जिनके नाम से ये पूरा गांव है। करम खान भाई थे माई गामा के और माई गामा और उनके भाइयों के लिए उनकी रहाइश के लिए नवाब सर सादक ने इस शानदार बंगला नमा हवेली की तमीर का सिलसिला शुरू किया। उस दौर में वट्टू फैमिली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिन्होंने नवाबों के साथ रिश्ता जोड़ा माई गामा बीबी का। नवाब साहब जब भी इस इलाके में आते तो इस शानदार हवेली में ही रहाइश रखते थे। खुशनसीब हूँ इस शानदार महल नमा हवेली का मुझे तफसीली से देखने का मौका मिला। हवेली की छत पर जाके हमने वाजिया तरीके से शूट किया और हमें बहुत ही ठंडक महसूस हुई। कहते हैं इस हवेली की पहले डबल से ट्रिपल स्टोरीज थी, बाद में गिराकर कम कर दी गई। हवेली का काफी हिस्सा वीरान, उजाड़ और खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ के लोगों को चाहिए कि इस हवेली को दोबारा अपने पुराने जोबन में लेकर आएं। हल्के से रंग रोगन की जरूरत है। अगर इस पर दोबारा नजरसानी की जाए तो ये हवेली हमें दोबारा अपनी पुरानी हालत में नजर आ सकती है और इसको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट हजरात आएंगे। अस्सलाम
डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में तहसील मिंचनाबाद के कस्बा मंगलोरगंज के करीब एक गाँव है करमपुर गद्दो का। तो वहाँ ये पुरानी महल और पुरानी हवेली है जो गामा गद्दो का के दौरे वक्त की है। 100 साल पुरानी हवेली हमने आपको वीडियो में विजिट करवाई और मैं बिल्कुल इस हवेली के ऊपर इस टाइम बैठा हूँ। तो अभी तक भी इसका सही सलामत होना ये अवामुल नास के लिए एक बहुत ही बेहतरी की बात है और अभी तक लोग इसमें रहायश पजीर हैं। इस हवेली के ऊपर आए हैं और इसके अंदर भी गए हैं और ये बहुत ही अपना इसके ठंडे कमरे हैं और इसकी बहुत ही चौड़ी दीवारें हैं। और जो है ना ये जो मैं जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये हवेली की छत है, इसके ऊपर मैं बैठा हूँ। तो पूरी हवेली का हमने आपको विजिट करवाया। ये गाँव है करमपुर गद्दो का। तो गामा गद्दो का के दौरे वक्त में ये हवेली जो है ये उनके पास थी। इस हवेली को बहुत बना सवार कर रखा हुआ है तो माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी केयर की है कि साल पुरानी होने के बावजूद भी अपने असल जो है ना फुल जोबन में इस टाइम हमें अपने निखार में नज़र आ रही है। तो इस जैसी चीज़ों का नए वक्त में सही सलामत होना भी एक बहुत बड़ी बात है और लेकिन लोगों को इनकी जो है ना कदर का पता नहीं होता। ये टूट फूट और खंडरात के जो हवाले कर दी जाती हैं लेकिन ये गामा गद्दो का के दौरे वक्त की तमीरशुदा हवेली जो करमपुर गद्दो का में है ये इसको हम बिल्कुल सही सलामत देख सकते हैं। तो हमने आज इसका विजिट किया, बहुत ही मज़ा आया। इस गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं। हवेली इतनी बड़ी थी कि इस हवेली की मुख्तलिफ दीवारें गाँव के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई है और एक सड़क गाँव की क्रॉसिंग के लिए हवेली के सेंटर से गुजारी जाती है। फिर बाद में लोगों ने इस हवेली की काफ़ी दीवारें गिराकर उसकी ईंटें अपने घरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हवेली के मुख्तलिफ हिस्से लोगों ने अपने रहाइश के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हवेली का मेहमान खाना है, पुराना महल उसका मेहमान खाना है। तो ये उसी तरह उस दौर की लगी हुई ये बारीक सी जो ईंट है उसी तरह अपने बिल्कुल वैसे ही खड़ी है, सही सलामत खड़ी है। ये बारीक सी ईंट जो है ना पुराने वक्त में जो भी तमीराती काम हुआ करते थे उसमें ये वाली जो बारीक ईंट है ये इस्तेमाल हुआ करती थी। तो ये मेहमान खाने में है। इस टाइम जो हवेली हमने आपको विज़िट करवाया उसका मेहमान खाना बिल्कुल मेरे सामने। ये इसकी इतनी जो है ना ये इतनी मोटी दीवार है और इसमें इतनी इतनी बारीक की हम ईंटें लगी हुई हैं। अब हम मौजूद हैं इस हवेली का मेहमान खाना जो इस टाइम खंडरात में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल ही एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। आज से 200 साल पहले यहाँ पर लोग आया करते थे, बैठा करते थे और ये बहुत मसरूफ तरीन इलाका हुआ करता था। एक वक्त था जब इस हवेली की चहल पहल, इस हवेली की रौनकें बहुत ज्यादा हुआ करती थी लेकिन अब बदकिस्मती से खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इस हवेली की देखभाल नहीं हो रही। इलाके के लोग चाहते हैं कि महकमा आसारे कदीमा को चाहिए कि इस हवेली पर नज़रसानी करें। जिस तरह लोग सियाहत के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाका को देखने जाते हैं जैसा कि शाही किला वगैरह, इसी तरह ये हवेली भी कोई कम नहीं। हल्की सी रंग रोगन की जरूरत है। इस हवेली को दोबारा अपनी पुरानी हालत में लाने के लिए महकमा आसारा कदीमा को चाहिए कि इस हवेली पर मुरम्मत का काम दोबारा शुरू किया जाए। इस हवेली का वीडियो विजिट मैंने आपको करवाया। मजीद इसी तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साजिद फटड़ को दो इजाजत।